कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। नेता प्रतिपक्ष के लिए राहुल गांधी के नाम की चर्चा लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से चल रही है। मंगलवार रात को इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में राहुल को इस पद के लिए चुन लिया गया। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी कुर्सी संभालेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में इसका फैसला लिया गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए इंडिया गठबंधन ने प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखा है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में स्पीकर के चुनाव और नेता विपक्ष को लेकर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष के लिए राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुन लिया गया है और इसके लिए प्रोटेम स्पीकर को पत्र भी लिख दिया गया है। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसे में नतीजों के बाद राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने की चर्चाएं तेज हो गई थी। वहीं राहुल भी नतीजों के बाद से मोदी सरकार पर लगातार तीखे हमले कर रहे हैं, फिर वो पेपर लीक का मामला हो या फिर प्रोटेम स्पीकर का मुद्दा। राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के भीतर से ही राहुल को नेता विपक्ष बनाने की मांग सामने आती रही है। लोकसभा में कांग्रेस को एक दशक के बाद नेता विपक्ष का दर्जा हासिल हुआ है। इससे पहले साल 2014 और साल 2019 में कांग्रेस की हैसियत इतनी नहीं थी कि उसे नेता विपक्ष का पद मिल सके। मोदी सरकार के पहले दो कार्यकाल में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के सदन में 10% नंबर भी नहीं जुटा पाए। हालांकि 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे, फिर 2019 में अधीर रंजन चौधरी भी अनौपचारिक रूप से नेता विपक्ष बनाया गया था, लेकिन इस बार कांग्रेस अपने दम पर 99 सीटें जीती है। इससे नेता विपक्ष का पद उसे मिला है। बता दें लोकसभा स्पीकर का चुनाव कल होगा। वोटिंग सुबह 11 बजे से होगी। नाराज विपक्ष ने एनडीए के स्पीकर कैंडिडेट ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को उठारा है। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की, पर इस पर भाजपा ने जवाब नहीं दिया। उधर भाजपा ने कहा कि कांग्रेस डिप्टी स्पीकर के पद पर अभी सहमति चल रही है या चाह रही थी। कांग्रेस भाजपा ने अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया है। सांसदों के शपथ के दौरान राहुल गांधी ने जय हिंद और जय संविधान का नारा लगाया। हैदराबाद के एआईएमआई सांसद जय फिलिस्तीन का उन्होंने नारा लगाया। वहीं बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार ने हिंदू राष्ट्र का जयकारा लगाया। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश राय ने शपथ ली तो जय अयोध्या जय अवधेश के नारे लगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।